बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एन टी एस टेस्ट मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जनरल नॉलेज का जो सिलसिला हमने शुरू किया है एमसीक्यूज का, पार्ट नंबर 6 अपलोड करते हैं। 5 पार्ट्स ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं, आप उनको विजिट करके वॉच कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल वाले आइकन को भी क्लिक करें, वीडियोस को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से 101। क्वेश्चन नंबर 101, क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, दिस वन, व्हाट इज कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक ये एक एयरलाइन है, ऑप्शन ए करेक्ट है, और ये हांगकांग का है। Cathay Pacific is an airline of Hong Kong. 102 question देखिए, 102 number. The main cause of earthquakes is sudden cooling and contraction of the earth's surface. Option B, coming into activity of some dormant volcanoes. Option C, due to internal heat, sometimes water changes into steam and expands. All of the above, A, B and C, all of the above are the causes of earthquakes. Question number 103 देखिए, 103, which of the following countries are landlocked? Landlocked countries are those countries which are surrounded by land, not by water. तो correct option इसमें option D है। और 104 number question को देखिए, the world largest आइलैंड इज, इट इज़ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है और यहाँ भी रिपीट हो गया है, ग्रीनलैंड है। 105 नंबर क्वेश्चन देखिए, 105, द सोन एंड हीरो आर द टू रिवर्स ऑफ पोटोहार प्लेटियो, दे आर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 106, पंजाब साइज इन द टोटल लैंड मास ऑफ पाकिस्तान। थोड़ा एक यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के 4 सूबे हैं जिसमें एरिया के लिहाज से, ए पर एरिया, एरिया के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा जो है वो बलूचिस्तान का है, बलूचिस्तान बी, और ये टोटल लैंड इसका जो है ना 43.6% है, 43.6% ज़मीन टोटल पाकिस्तान का, टोटल ज़मीन पाकिस्तान की टोटल ज़मीन का 63.6% ये बलूचिस्तान का है। पंजाब दूसरे नंबर पर है और पंजाब का एरिया जो पाकिस्तान के टोटल अब एरिया का है वो 25.8 है। सिंध तीसरे नंबर पर है, सिंध का एरिया के लिहाज से थर्ड पोजीशन है और उसका पाकिस्तान के लैंड में शेयर जो है वो 17.7% है। केपीके जो है एरिया के लिहाज से सबसे छोटा सूबा है और ये 9.4% है। ये तो हो गया एरिया की बात, अब पॉपुलेशन की बात। पॉपुलेशन के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब का है, पॉपुलेशन में सबसे बड़ा सूबा पंजाब का है, और 2017 सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान पॉपुलेशन, पंजाब पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन का 55.5% है, 55.5 या 6 इस तरह कुछ है, और ये 1998 में ये 52% था, ये बढ़कर 55 हो गया है, ठीक है। दूसरे नंबर पर सिंध है और सिंध का टोटल हिस्सा 23% है, सिंध का टोटल हिस्सा 23% है। तीसरे नंबर पर केपीके है, केपीके का टोटल हिस्सा 18% है पाकिस्तान की आबादी का, और बलूचिस्तान सबसे छोटा सूबा है, आबादी के लिहाज से छोटा है, एरिया के लिहाज से बहुत बड़ा है, और आबादी में पाकिस्तान की आबादी में इसका सिर्फ 5% हिस्सा है, 0.0%। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 107 को देखते हैं, 107 को, क्वेश्चन नंबर 107, द शंदूर पास एट हाइट ऑफ 12,205 फीट कनेक्ट गिलगित और चित्राल को कनेक्ट करता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। 108 नंबर क्वेश्चन, दिस वन,
द एरिया लाइंग बिटवीन बियास एंड रावेर रिवर, दे आर कॉल्ड बारी डोब. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 109 देखिए, 109 नंबर क्वेश्चन कहते हैं, विच पार्ट ऑफ पंजाब इज फेमस फॉर शीशम टिम्बर फॉरेस्ट, चांगा मांगा. ऑप्शन ए. 110 नंबर क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल एशियन स्टेट्स इज इनरिच्ड विद द वर्ल्ड लार्जेस्ट मिनरल रिसोर्सेज, कजाकिस्तान. ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन. 11 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 111, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ फैटेलिटीज अम्बात बाय अर्थक्वेक, जलजले की वजह से, और रिकॉर्डेड इन. ऑप्शन डी, ये तुर्की में 17 अगस्त 1999 ये जलजला आया था, उसमें सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड हुए हैं अभी तक. 112, पाकिस्तान फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है ये पिशावर में हैं. ऑप्शन डी है. 13 नंबर क्वेश्चन जो है दिस वन, द आर्कियोलॉजिकल साइट कोड डीजी, इट इज़ लोकेटेड नियर द सिटी ऑफ खैरपुर. ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन. 114, 114 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान इज सराउंडेड इन द नॉर्थ वेस्ट बाई हिमालयाज रेंज. ऑप्शन डी है. 15 नंबर क्वेश्चन जो है दिस वन, द मोस्ट प्रेशियंट स्टोन इमोरल्ड, ये कहाँ पर पाया जाता है, सवात में है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. और क्वेश्चन नंबर 117 देखिए, 116, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा खुद हल करें, ठीक है, इसको देखिए, और इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है. 117 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 117, टू शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वी कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, डू मेथड. ऑप्शन बी करेक्ट है. 118 नंबर क्वेश्चन, द स्ट्रेंथ ऑफ वेव एक्शन डिपेंड्स ऑन ऑल दीज एक्सेप्ट करंट इन द सी. ऑप्शन ए. और 119 नंबर क्वेश्चन को देखो, बोर इज काज, इसमें ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है. और 120 नंबर क्वेश्चन जो है यहाँ पर, व्हाट विच ऑफ दीज इज नॉट मेटामॉर्फिक रॉक, ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा. इंशाल्लाह ताला इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम चलते रहेंगे और अपने मकसद को पहुंच रहेंगे. तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़.